जनपद में हो रहे साइबर ठगी करके जनता के बैंक खातों से पैसा निकालने की घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी अपराध के नेतृत्व में फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर बैंक खातों से पैसे निकालने वाले गिरोह में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु क्राइम ब्रांच, साइबर सेल्स टीम व एसओजी टीम को लगाया गया था। घटना में शामिल अभियुक्तों के गिरफ्तारी के संबंध में साक्ष्य संकलन किया जा रहा था, जिसके संबंध में मुखबिर से सूचना मिला कि फिंगरप्रिंट क्लोन बनाकर बैंक खातों से पैसा निकालने वाले गिरोह के सदस्य होंडा सिटी कार व अन्य साधनों से कलेक्ट्रेट की तरफ से हरिओम नगर तिराहे की तरफ आने वाले हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कलेक्ट्रेट की तरफ से आ रही होंडा सिटी कार व मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों को तमकुही कोठी थाना क्षेत्र कैंट के पास रोककर उसमें बैठे व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए तलाशी लिया गया तो उनके पास से 9,10,000 रुपए नगद, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, मोबाइल सिम, फिंगरप्रिंट क्लोन, बैंक पासबुक, बैंक चेकबुक आदि भारी मात्रा में बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ किया गया तो सभी व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हम लोग अंगूठे का क्लोन बनाकर फर्जी CSP से बैंक खातों से पैसे निकालने का काम करते हैं तथा हम लोग के कुछ साथी जो अंगूठे का क्लोन बनाते हैं साई कम्युनिकेशन जिला पंचायत रोड की दुकान पर मौजूद हैं, जहां पर हम लोग भी जा रहे हैं। गाड़ी में बैठे सभी व्यक्तियों व मोटरसाइकिल सवार को मैं पुलिस टीम के साई कम्युनिकेशन जिला पंचायत रोड पहुंचा तो साई कम्युनिकेशन पर बैठे मिले जिनके कब्जे से क्लोन बनाने वाली मशीन कंप्यूटर में उपकरण बरामद हुआ। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में राघवेंद्र मिश्रा पुत्र केसरी मिश्रा निवासी दाऊदपुर थाना कैंट, सोनू कुमार पासवान पुत्र सजीवन लाल पासवान निवासी ग्राम मोहरीपुर थाना चिलुआताल, मुकेश कुमार पुत्र श्याम बिहारी निवासी ग्राम अचियापार थाना सहजनवा, विकास उर्फ विक्की पुत्र स्वर्गीय रामनाथ गौतम निवासी जोनिहा थाना सहजनवा, सैयद जावेद अली पुत्र स्वर्गीय शमशेर अली निवासी जाफरा बाजार, शशांक पांडे उर्फ गोलू पांडे पुत्र भुवनेश्वर पांडे निवासी बुढ़नपुरा थाना बढ़लगंज, दीपेंद्र थापा पुत्र गोपाल थापा निवासी पहाड़ी मोहल्ला थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज, सागर जायसवाल पुत्र विनोद जायसवाल निवासी जायसवाल मोहल्ला थाना नौतनवा, राहुल राणा पुत्र छविलाल राणा निवासी महेंद्र नगर थाना नौतनवा, अमित कनौजिया पुत्र राजीव कनौजिया निवासी तिवारीपुर थाने के सामने थाना तिवारीपुर तथा आशीष पाठक पुत्र इंद्र प्रताप पाठक निवासी ग्राम देवापार थाना उर्वा बाजार शामिल है। घटना का रिजर्व पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में खुलासा करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा कि अपने आधार कार्ड को किसी से शेयर ना करें और साइबर क्राइम से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा जो टीम इसमें गिरफ्तारी में आए सब लोग पहुंचे डेटा चोरी करने वालों पे भी जुड़े हुए हैं, फर्जी खाता खोलने वालों पे भी जुड़े हुए हैं। मेन सरना ये दोनों 11 अपराधी साइबर अपराध से जुड़े अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। जिले की साइबर सेल और स्वाट टीम SP क्राइम के नेतृत्व में काम करके 11 लोगों को गिरफ्तार किए। इनसे 9,10,000 बरामद हुआ, तमाम सेल फोन, तमाम पासबुक और फिंगरप्रिंट के जो क्लोन्स है, आधार कार्ड नंबर्स है, ATM कार्ड से सब बरामद हुए हैं। ये लोग साइबर अपराधी हैं, ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से अपना
आईडी रजिस्टर करा के आधार एवं फिंगरप्रिंट की डेटा रजिस्ट्री कागज़ों से सरकारी वेबसाइट की जो ई स्टैम्प वाला वेबसाइट से रजिस्ट्री के कागज़ से स्टैम्प उठाना या फोटोकॉपी के दुकान चलाने चलाते हैं उस कागज़ से रजिस्ट्री के कागज़ से फिंगरप्रिंट उठाना, इस तरह से तमाम माध्यम से आधार कार्ड एवं फिंगरप्रिंट के छाया प्रति चोरी करके उसको क्लोन करके उसे मोल्ड बना के उससे आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जिस खाते का है उस हर खाते से जो भी इनके द्वारा डेटा चोरी किया गया उनसे पैसे ऑनलाइन अपने फर्जी खाता बना के ट्रांसफ़र करा के अपराध गठित किया गया है। इनके कब्जे से लगभग 9,10,000 के करीब कैश भी बरामद हुआ है। ये लोग काफ़ी दिन से अपराध कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना के अनुसार साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ये लोग पकड़े गए हैं, एक बहुत बड़ा सफलता है। इससे जो आधार कार्ड मिले हैं, इससे जो फिंगरप्रिंट के क्लोन्स मिले हैं, जांच किया जा रहा है। फर्जी अकाउंट खाते खुलवाए गए हैं, इनकी जांच किया जा रहा है। इसमें जो भी आधार कार्ड मिले हैं उनके सरकारी एजेंसी के माध्यम से डेटा मांग के उनसे संपर्क करके बैंकों से संपर्क करके इनके आधार से जुड़े हुए खाताओं के जानकारी प्राप्त कर उन तक हम पहुंचेंगे जिनके पैसे साइबर क्राइम के माध्यम से उनके खाते से चोरी हुआ है। 11 अपराधी कुल पकड़े गए हैं, इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनमें से सरगना इनको पुलिस कस्टोडियल रिमांड लेके और भी तमाम बरामदगी करने का उम्मीद है। जो साइबर क्राइम के माध्यम से जो पैसे अर्जित होता है उसे ट्रांसफ़र करने के लिए फर्जी खाते की ज़रूरत पड़ती है। जो नेपाली नागरिक है या फिर कोई भी लेबर वर्ग के हैं जो कि किसी बहुत अच्छे जानकारी नहीं है, जो कि लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है, उनके इनोसेंस की या उनको यूज़ करके उनके आधार पैन बनवा के फर्जी उनके खाता खोलते हैं। खाता तो सही है बट उसका आदमी को ये पता नहीं है कि वो खाता किस में यूज़ होने जा रहा है। इनके एक एजेंट सिस्टम के रूप में काम करते हैं, 4-5 एजेंट है जो कि दिल्ली हरियाणा कई बाहर के देश स्टेट से इनको आधार पैन एनेबल्ड खाता खुलवा के वो खाता के सारे डिटेल इनको देते थे और वो खाता साइबर क्राइम से अर्जित पैसे को निकालने के लिए यूज़ करते थे। देखिए ये इस गैंग में अन्य राज्य के भी लोग हैं, नेपाल के भी है, तो इनसे पूछताछ के दौरान और कुछ बरामदगी में कुछ अन्य राज्य के भी चेक्स मिले हैं। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि इनके डेटा चोरी में हो सकता है अन्य राज्य के और भी लोग इन्वॉल्व हो, गोरखपुर ही ना है तो अन्य बगल के राज्य में भी हो सकते हैं इनके कुछ नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे होंगे। सर डाटा मामला ये बहुत बड़ा साबित हो रहा है, किस तरीके से लिंकेज की कुछ सरकारी वेबसाइट से जेन्यून आदमी के डेटा यूज़ करके वो लोग रजिस्ट्री के कागज़ निकाल के उस रजिस्ट्री में जो फिंगरप्रिंट है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको क्लोन बना रहे हैं। इसमें से एक अपराधी के पास फोटोकॉपी की दुकान है, जो यहाँ के तहसील में फोटोकॉपी लेने आते हैं उनके डेटा चोरी करते हैं। हो सकता है ये अपने अन्य स्टेट के साथियों को वो डेटा बेच रहे हों, अन्य स्टेट के लोग डेटा इनको बेच रहे हों। ये आगे की विस्तार से जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये आगे प्रकाश में आएगा। इसमें एसपी क्राइम के नेतृत्व में एक एसआईटी भी मैं गठित कर रहा हूँ, जिसमें प्रतिदिन एसपी क्राइम मॉनिटर करेंगे और साथ साथ एक इंस्पेक्टर के साथ साथ दो और सब इंस्पेक्टर, दो मुंशी और जोड़ के 5 लोगों का एसआईटी गठित कर रहा हूँ। देखिए अभी पूछताछ जारी है, पुलिस कस्टोडियल रिमांड लेके और पूछताछ किया जाएगा, तो आगे जो भी डिटेल है आपको अभी इनको वेरीफाई करना शेष है। हमने अभी पकड़ा है, पुलिस कस्टोडियल रिमांड की पूछताछ के दौरान आगे पता चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है सभी लोग अपने आधार कार्ड को सुरक्षित रखिएगा, आधार कार्ड को अनावश्यक किसी को न दें। ग्राहक सेवा केंद्र में सोच समझ के अपने विश्वसनीय जगह पर ही करा जाए। एम आधार एक ऐप आता है जहाँ पे आप लोग अपना आधार रजिस्टर करके वहाँ बायोमेट्रिक डेटा एनेबल्ड ट्रांजैक्शन को आप रोक सकते हैं।
जब आपको खुद का करना हो तब उसको एनेबल करके तब करें, जब आपका काम नहीं पड़ता उस डेटा यूज्ड आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम को डिसेबल करके रखें, ये कर सकते हैं।